नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, आजकल सबसे तेजी से जो चीज़ें बढ़ रही हैं और लोगों को बर्बाद कर रही हैं, वो जुआ, सट्टा और ऑनलाइन लॉटरी, जिसका एक बड़ा उदाहरण और एक स्टिंग BCN ने किया है। मेरे हाथ में कुछ आप पर्ची देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे भी आप ठीक तरीके से देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा है लकी कूपन। दोस्तों, खास बात यह है कि ऑनलाइन लॉटरी है और ये कामटी रोड पे, नागपुर के कामटी रोड पे, नाका नंबर 2 भीलगांव के पास में, ये नेशनल हाईवे के ठीक बगल में बड़े ज़ोरों से शुरू है। इसके ठीक बगल में एक वाइन शॉप है और वहाँ पे लोग एक तो ड्रिंक करके बर्बाद होने आते हैं, दूसरी बात बचा कुचा पैसा जो होता है ऑनलाइन लॉटरी में खेलने आते हैं। इसमें कहीं GST नंबर नहीं है या कहीं से यह सिद्ध नहीं होता है कि यह वैलिड है। दोस्तों, जो लोग लॉटरी खेल रहे थे, जिस तरह के लोग वहाँ दिख रहे थे, उससे साफ साफ ये समझ में आ रहा था कि यहाँ जितने लोग लॉटरी खेलने आ रहे हैं, कितने ऐसे लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और अपने परिवार को तबाह करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, वो साफ दिखने में समझ में आता है। आपको हम सीधा लेकर चलते हैं कामटी रोड, जहाँ ये लॉटरी का काम शुरू है। नमस्कार, कामटी नागपुर रोड पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक लॉटरी सेंटर है, जहाँ पे गरीब लोग आते हैं लॉटरी पीने। और ख़ास बात यह कि इसके ठीक बाजू में एक वाइन शॉप है। लोग ड्रिंक करने भी आते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, लॉटरी खेलते हैं। जब हमने इसका स्टिंग किया, जाँच पड़ताल की, तो इसकी जो पर्ची हाथ में लगी उस पर कहीं किसी लॉटरी का नाम नहीं है, किस लॉटरी का है ये ऐसा कुछ लिखा नहीं है। इस पर लिखा है लकी कूपन और इसमें कुछ डिटेल दी गई है, जिस पे लोग जिस नंबर पे ऑनलाइन लॉटरी लगाते हैं, खेलते हैं, वो लॉटरी दी गई है, जिसमें कुछ नंबर होते हैं, जिस भी नंबर पे आप लगाएंगे वो सारी चीज़ डिटेल्स होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये वैलिड है तो फिर आखिर इस पे GST क्यों नहीं है? सरकार को देने वाली, लगने वाली टैक्स इस पे क्यों नहीं है? GST नंबर क्यों नहीं दिया गया? ये कौन सी कंपनी की ऑनलाइन लॉटरी है, उस कंपनी का प्रॉपर नाम क्यों नहीं दिया गया? अनेक सवाल अभी उत्पन्न होते हैं। और सबसे जो बुरी बात ये है कि यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो अपने ठीक तरीके से परिवार नहीं चला सकते हैं, खास करके ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं और अपना पैसा, दिन भर की कमाई यहाँ पे हार कर चले जाते हैं। और इस मामले में आखिर यहाँ की पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, अपने आप में एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। क्योंकि नेशनल हाईवे के ठीक बाजू में इस तरीके से इल्लीगल काम चल रही, किसी का घर तबाह बर्बाद करने की अगर चीज़ें हो रही हो, तो आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? आखिर देशभक्ति सबकी कहां सो जाती है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं वीर सिंह।